अबे ये हीरो की फौज लेके तुम लोग उतरे हुए वहां पे, ना टांगों में दम ना हाथों में दम, साले कैच भी छूट रहे। तुमसे बेहतर तो डेविड वार्नर की माँ है यार, जिसने एक बच्चा ऐसा पैदा किया कि बेटा तुझे चांस मिले। तो ऐसी नसीब में सिर्फ और सिर्फ हार ही रह गई है। एशिया कप से हारते आ रहे हैं, वर्ल्ड कप गुजर गया, ऑस्ट्रेलिया टूर गुजर गया, लेकिन ये हार जो है ना रिजवान ने, ये लग रहा था कि 16-17 ओवर पाकिस्तान चेस कर लेगा, वो माशाल्लाह आप देखें तो 21 रन से हार गए। पिछले मैच के अंदर 12 बोले पहले ऑल आउट हो गए, इस मैच के अंदर 3 बोले पहले ऑल आउट हो गए। अखीर किस्म की मैं समझता हूँ कि घटिया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मर्स। पिछले मैच के अंदर भी ये बच गए सब ने, जिसे कहते हैं ना बाबर को पकड़ लिया। आज के मैच के अंदर भी देखा जाए तो बाबर और फकर ने किए 50-50 और शाहीन ने किया 22, बाकियों ने क्या किया, बाकियों से तो डबल फिगर में भी नहीं आया गया। आज बाबर आजम ऐसा खेल रहा था, लग रहा था कि आज तो रिकॉर्ड बनेगा, मैच फिनिश हो जाएगा, फिनिश कर जाएगा, फिनिश करना भी चाहिए था, मैं तो कहता हूं फिनिश करना चाहिए था बाबर आजम को, बट बाकियों ने क्या किया। आजम खान, इफ्तिकार अहमद, ये पिछले दो मैचेस में भी दोनों के दोनों फ्लॉप हुए, मैच को नीचे लगा के गए। ये इस मैच के अंदर भी फ्लॉप हुए, मैच को नीचे लगाया, ये बीच के बल्लेबाज है, इनको स्टैंड करना पड़ना है। बाकी टीमों के अगर देखो बीच के बल्लेबाज, केएल राहुल हो गया, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें मैक्सवेल हो गया, न्यूजीलैंड के पास मिचेल जैसे बल्लेबाज है, हमारे देखें जरा बल्लेबाज। आजम खान को चांस दो, आजम खान को दो भाई, सॉरी टू से साफ सी बात है, नहीं भाई पहले रोला डाला कि उसको स्पिनर से अगेंस्ट बल्लेबाजी नहीं दी, आज वो स्पिनर का तो आउट हुआ। इफ्तिकार अहमद जो उसने शॉट खेली, यकीन करो ये सूर्य कुमार यादव ने खेला होता तो स्टेडियम पार का छक्का होता। सही कह रहे, और कमेंटेटर ऐसे बोले से पता नहीं छक्का हो गया, और वो सीधा बाउंड्री के ऊपर कैच हो रहा है। फकर जमान, पता चला कि एक बंदा खेल रहा था, कैच छूटा फकर जमान का जीरो के ऊपर या एक के ऊपर, उसके बाद उसने 50 मारा, फेंडा लगाया न्यूजीलैंड जो कि वो लगाता है 200 गेंदों पे 50। अखीर उसने खेला। बाबर ने आज पावर प्ले के अंदर 15 बॉलों पे 28 किया, शानदार किस्म का बाबर ने स्टार्ट दिया। जैसे ही फकर आउट होता है बाबर स्लो होता है नजर आता है, क्योंकि दूसरे एंड से इफ्तिकार और आजम भी आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम ने उसके बाद कमबैक कर लिया, छक्का मारा साउथी को आगे बढ़ के, स्टैंडर्ड को छक्का मार रहा है, ऐसा लग रहा है बाबर नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर बाबर आजम सीएस का तो आउट।